400-500 लोग के करीब और लोग अभी वेट कर रहे होंगे। बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होने वाली है यार, बहुत एक घंटा आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। एक प्रॉमिस आप लोगों से, मैं सबकी तरफ से करता हूं कि बहुत कुछ सीख के जाने वाले हूं, बहुत कुछ यूनिक सीख के जाने वाले हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे बने रहे, आंख कान दोनों खोल के रखना और अपने पास डायरी पेन जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ फाइनेंस की होगी, आपके सपनों की होगी, कोई भी इधर उधर की ओलझोल बातें नहीं होंगी यार, राइट? जो हमने आज तक कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा, ना हमें किसी ने सिखाया कि बेटा 1 लाख 2 लाख 3 लाख कैसे कमाए जाते हैं, आज सर खुद आप लोगों को सिखाने वाले हैं, राइट? क्या आप सब एक्साइटेड हैं? कितने लोग, अच्छा कितने लोग एक्साइटेड हैं ये सुन के? अच्छा सूरज सर है, दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं आपने। कितने लोग ऐसे हैं, फर्स्ट टाइम कितने लोग हैं यहाँ पे? मैं उनसे ये जानना चाहूंगा, एक्साइटेड है सर? चेहरे पे स्माइल रख के बैठना है यहाँ पे, है ना? थोड़ा सा ऐसा अजीब सा चेहरा मत बनाना कि लोगों को पता लगे कि लॉकडाउन में फंसे हुए आप घर में, राइट? हंसते हुए रहेंगे, ऑक्सीजन भी बढ़ी रहेगी, खून भी बढ़ता रहेगा हमारा, और चीजें भी दिमाग में अच्छे से जाएंगी। बट फिर भी स्टिल मैं एक दो लोगों से जरूर ये चीज कहूंगा कि जो अभी भी स्टिल लेटे हुए हैं ना, प्लीज अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना यार। कान के जरिए सारी चीजें आपके दिमाग तक और हर जगह तक पहुंच जाएगी, तो पैसा जरूर आएगा आपको, राइट? अभी और गुड न्यूज भी ये है कि आप लोग जूम पे तो है ही है, आने वाले टाइम पे आप यूट्यूब पे भी होंगे, स्टार बनने वाले हैं आप सब सीखते सीखते, राइट? सो आई होप कि सर यूट्यूब पे आप आ चुके हैं। यस हिमांशु सर, नाउ वी आर लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल। तो 1000 लोग यहाँ पे हो गए हैं, और लोग इतने सारे हो गए थे कि मेरे को यूट्यूब पे लाइव करना पड़ा, तो यूट्यूब पे भी लोग अभी आपके साथ ज्वाइन हो गए हैं। सो वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग, आप सब लोगों का स्वागत है, और आज के इस मस्त हसीन शाम में, आज की शाम आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे, और उसके पीछे कारण एक ही है, क्योंकि आज आपने इस शाम में डिसाइड किया है कि आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएं। मेरा नाम संदीप नरवाल है, जैसा कि हिमांशु भारद्वाज सर ने बताया, और बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था, और इस प्रोफेशन को, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ में, इस प्रोफेशन में मुझे लगभग पिछले 7 साल हो चुके हैं, और इस इंडस्ट्री के साथ 7 साल हो गए, और इस कंपनी के साथ में मुझे लगभग 18 महीने हो चुके हैं। पिछले 7 साल और 18 महीने की जो अचीवमेंट की अगर बात करूं, क्योंकि अचीवमेंट बताना जरूरी है सो दैट आप ये अंदाजा लगा पाए कि एक नॉर्मल सा नौकरी करने वाला, 35,000 रुपए की नौकरी करता था मैं 2014 में कभी, तो एक 35,000 रुपए की नौकरी करने वाला एक नॉर्मल से मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का 24 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री में आता है, अपनी नौकरी के साथ काम करता है, और नौकरी के साथ साथ में 2 से 2.5 लाख रुपए कमाने लग जाता है। और पिछले 7 साल में मैं बता दूं यहां से दोस्तों, करीबन 5 गाड़ियां मैंने अपने घर के आगे खड़ी कर चुका हूं मैं। अभी करंटली 3 गाड़ियां हैं, ऑडी है और एक i20 है और मर्सिडीज GLC है। लगभग 3 घर बना चुका हूं, जिसमें एक घर है, एक विला है और एक फ्लैट है। करीबन 1,34,00,000 का एक फ्लैट लिया मैंने अभी। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये तो खाली मटेरियलिस्टिक चीजें हैं दोस्तों, लेकिन जो मैंने इस काम को करते करते मैंने सीखा है, वो है सबसे बड़ी अचीवमेंट कि मैं जो बन गया हूँ, सबसे बड़ी चीज जो है वो मैं बन गया हूँ, जो वो सबसे जरूरी है दोस्त। मेरी आज एज 31 साल है, और 31 साल की उम्र में आज मैं ट्रेनिंग देता हूँ, आज मैं लोगों को कैसे अमीर बना जाता है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे घर पे बैठ के पैसे कमा सकते हैं आप, मैं आज लोगों को पैसे कमाना सिखाता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों पिछले 7 साल की तो मेरी ये छोटी सी जर्नी मैंने बताई आपको, लेकिन आज आप इस जूम मीटिंग में क्यों हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगले 40 मिनट आप मेरे को क्यों सुनेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज ये समझने वाली है कि हमें बचपन से ही क्या सिखाया जाता है कि अच्छा पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी कर लो, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ज्यादा हवा में मत उड़ो, जितनी चादर उतने पैर पसारो, ज्यादा बड़े ख्वाब मत देखना, छोटी जिंदगी है बेटा, इसमें अपना छोटा ही चले जाना, ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है। और हमें बचपन से किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है कि हम गरीबी में कैसे जिंदगी जी सकते हैं, क्या हमें आज तक पैसे कैसे कमाए जाते हैं, रईस कैसे बना जाता है, अमीर कैसे बना जाता है, करोड़पति कैसे बना जाता है, क्या ये बातें हमारे स्कूल, हमारे पेरेंट्स, हमारे कॉलेज, हमारे किसी अड़ोसी पड़ोसी, किसी इंसान ने आपको सिखाई बताई? तो जवाब आता है ना, किसी भी इंसान ने आज तक हमें करोड़पति बनने का रास्ता नहीं दिया। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी लोग हमारे आज तक संपर्क में आए, टच में आए, वो सारे करोड़पति थे ही नहीं उनमें से कोई।
तो जब था ही नहीं कोई तो वो बताएगा कैसे करोड़पति कैसे बना जाता है। तो बचपन से लेके आज तक सिर्फ हमें ये एक चीज सिखाई जाती है कि हमें गरीबी में कैसे जिंदगी जीनी है। आज तक हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि बेटा सेविंग करके चलो, ज्यादा पैसे सारे के सारे इन्वेस्ट मत करो, कहीं हवा में मत उड़ाओ, कहीं बड़ी जिंदगी मत जियो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने से अच्छा है किसी ढाबे पे जाके खा लो, है ना, टैक्सी करने से अच्छा है मेट्रो में ट्रेवल करो, रिक्शा लेने से अच्छा है पैदल जाओ हमारी तरह, देखो हमने कितना पैसा बचाया। तो ऐसी ऐसी बातें हमें आज तक मिलती आई हैं और हमने सीखी हैं। आज मैं सारी चीजें तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से होके हरियाणा के पास में, हरियाणा में बहादुरगढ़ एक जगह है, बहादुरगढ़ के पास में एक छोटा सा गांव है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से होके छोटी सी जिंदगी जिसमें 22 इंच की हमारे घर में एटलस की साइकिल हुआ करती थी, उस छोटी सी जिंदगी से उठ के अगर आज मैं महीने के 9 से 10 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो ये सब कुछ मैं अकेले अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी जो मैंने किया जिस तरीकों से मैं आज इतना कमा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं हर एक आदमी का आज वो भला कर पाऊं, मैं हर एक आदमी को बता पाऊं कि कैसे हुआ। क्योंकि एक बात बोली जाती है दोस्त कि सफलता अपनी खुशबू छोड़ती है, जैसे अगर आप एक बहुत महकते हुए फूल को कहीं लेके जाएंगे तो पूरे रास्ते में ना खुशबू छोड़ता जाता है, तो वैसे ही सफलता भी अपनी खुशबू छोड़ती है, सफलता भी अपने पद चिन्ह छोड़ती है। अगर आप सफल व्यक्ति के पद चिन्ह को, कदमों को अगर फॉलो करने लग जाएंगे तो आप भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगले 40 मिनट जो है आप मेरे साथ बने रहें, अगले 40 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेस के सीक्रेट्स क्या है, टाटा बिरला अंबानी अडानी ये इतने बड़े बड़े लोग कैसे इतने बड़े बने, क्योंकि अंबानी तो कहते हैं कि पेट्रोल पंप पे काम करता था, शाहरुख खान कभी बेंच पे सोया था, विराट कोहली के पास में खाने के पैसे नहीं थे एक टाइम ऐसा भी था, तो ये लोग इतने महान कैसे बने, हम में से ही उठ के ये लोग इतने बड़े बन गए, तो कैसे बने ये फॉर्मूला कोई नहीं बताता, सब लोग बोलते तो हैं कि वो बन गया लेकिन कोई ये नहीं बताता कैसे बना, तो आज मैं वो बताऊंगा। तो अगले 40 मिनट आपके बारे में बात होगी कि आप अपना एक नया घर कैसे बना सकते हैं, आप एक नई गाड़ी कैसे चला सकते हैं, आपका अकाउंट बैलेंस कैसे जबरदस्त हो सकता है। तो आज अगले 40 मिनट मैं सिर्फ आपके ही बारे में बात करूंगा। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूं आपको, और आज की बड़ी शानदार प्रेजेंटेशन होने वाली है, क्योंकि आज की प्रेजेंटेशन शुरुआत ही मेरे कुछ सवालों से, मेरे कुछ प्रश्नों से होने वाली है। तो वो प्रश्न क्या है मैं अब उनकी तरफ में लेके चलता हूँ आपको। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे है, तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके कुछ सपने हैं लाइफ में, डू यू हैव ड्रीम्स, अगर है तो क्या उन्हें पूरा करना चाहते हैं आप, अगर पूरा करना चाहते हैं तो क्या आप जीवन में रईस इंसान बनना चाहते हैं, मैं अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, अमीर की बात नहीं कर रहा, मैं रईस की बात कर रहा हूँ, क्या आप रईस बनना चाहते हैं कि जो मन में आया वो किया, पैसा भी है टाइम भी है खाली बैठे हैं पैसा आए जा रहा है तो रईस ओके, तो क्या आप जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री भी होना चाहते हैं कि भाई कोई टेंशन ही नहीं है पैसा कहाँ से आएगा, अपना मौज से उड़ाए जा रहे हैं, जिंदगी जिए जा रहे हैं, ये पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, तो आपकी नेटवर्थ आप मतलब मिलियनेयर भी बनना चाहते हैं इसका मतलब ओके, तो फाइनेंशियली फ्री तो ऑब्वियसली मिलियनेयर बिलियनेयर ही होते हैं है। और अच्छा लास्ट मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप जिंदगी में खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं हमेशा, क्योंकि पैसा कमा के भी लोग टेंशन में रहते हैं, अगर हाँ तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आप एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हैं, कुछ नया काम करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि दोस्त आप जो आज तक करते आए हो ना अगर आगे भी वही करते रहोगे तो जो आज आपका अकाउंट बैलेंस है आगे भी वही होने वाला है, चेंज तो होने वाला नहीं है, क्यों भाई, आप अगर मान लेते हैं कि 35,000 रुपए की आप नौकरी करते आए हो पिछले 2-3 साल से और 35,000 रुपए में आप मर्सिडीज कैसे खरीद सकते हो, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्त अगर आपके सपने हैं तो सपने पूरे करने के लिए जो आप कर रहे हो उससे तो पूरे होंगे नहीं, उसके लिए तो कुछ नया करना पड़ेगा, तो क्या आप एक नई अपॉर्चुनिटी करने के लिए, नया काम करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि देखो दोस्त जिस हिसाब से अभी पेंडेमिक चल रहा है ना, जिस हिसाब से इंडिया के हाल है, अप्रैल का डेटा निकल के आया है कि 75 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, ये CMIE की रिपोर्ट है, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी, कितने लोग न जाने बेरोजगार हो गए, क्योंकि अभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर और प्लाज्मा और बेड अरेंज करने में सारा इंडिया बिजी है, अभी वो जो बाय प्रोडक्ट चल रहा है ना बेरोजगारी, नौकरी से निकालना, इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं हो रही किसी भी मीडिया में, क्योंकि अभी बिजी इतने ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे करने में, हम अरेंज करने में, अब वो भी जरूरी है, लेकिन लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, लोगों के धंधे चौपट हो गए, बिजनेसमैन रोड पे आ गए, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं कर रहा, ये एक साइड इफेक्ट है। तो मैं दोस्त आपसे बात कर रहा हूं कि इंडिया के जो हाल है अभी, क्या लगता है कि अगले अगर 1-2 महीने और ये लॉकडाउन चला, जो भी चलेगा शायद इस महीने पूरा, अभी अब वो क्या लगता है कि आपका जो सेफ्टी सिक्योरिटी है लाइफ को लेके, जो जॉब है, जो आपकी इनकम है, अर्निंग है, क्या लगता है आपको, मतलब ठीक ठाक है वो?
दोस्त, अगर आपकी इनकम भी इफेक्ट हुई है लॉकडाउन से, इस कोविड से, बहुत जरूरी है, और अगर नहीं भी हुई तो अगर आपके पड़ोस में हुई होगी किसी की, आपके जानने वालों में हुई होगी किसी की, तो जाहिर सी बात, अगर एक के साथ कर सकता है ये इतना बुरा, तो आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि देखो दोस्त, अब कोविड है, किसी को भी हो सकता है, जैसे वैसी नौकरी है, किसी की भी जा सकती है, क्योंकि भैया कोई भी कंपनी घाटे में कभी भी आ सकती है आज के समय पे, ऐसे हालात चल रहे हैं, आसार चल रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी करनी पड़ेगी जो पेंडेमिक आए, तूफान आए, बाढ़ आए, सुनामी आए, कोई फर्क ही ना पड़े आपको। जैसे हमारे, अगर मैं बताऊं, जैसे कोविड के टाइम पे ही नवंबर से लेके फरवरी तक, नवंबर में मैंने ली 65 लाख रुपए की गाड़ी, और उसी नवंबर में मैंने लिया 1.25 करोड़ का एक मिला। और मैं आपको बता देता हूं कि अभी 10 फरवरी 2021 को, अभी एक दो महीना पहले ही, मैंने 1.34 करोड़ का फ्लैट बुक कराया, इसी पेंडेमिक के दौरान, जहां पे लोगों की नौकरियां चली गई, जहां पे लोगों के रोजगार चले गए, जहां पे लोग ये ढूंढ रहे हैं कि भैया हम कैसे गुजारा करें, हम अपने सपने पूरे कर रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं उसी के बारे में बात बताऊंगा दोस्त। हमारे पास में कैसी अपॉर्चुनिटी है जो कि पेंडेमिक फ्री है, जो कि कोई टेंशन ही नहीं है, रिसेशन फ्री है, रिसेशन प्रूफ है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूरी है। तो अभी हमने बात करी थी सपनों की, तो किस तरह के सपने भाई, किसी का सपना हो सकता है बड़ा सा घर, किसी का सपना हो सकता है लग्जरी गाड़ियां हों मेरे पास में, किसी का सपना हो सकता है कि मैं घूमने जाऊं, वेकेशंस पे जाऊं, किसी का सपना हो सकता है कि अकाउंट बैलेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, किसी का सपना हो सकता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, या किसी का सपना हो सकता है भैया फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, कि भैया हमें पैसे की कोई दिक्कत ना आए कभी भी, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पैसे की किल्लत ना हो कभी, तो किसी का सपना ये भी हो सकता है, राइट। अब बात आती सपनों की, तो भाई सपने पूरा तो हर कोई करना चाहता है। आप अगर किसी भिखारी से पूछो अभी करोड़पति बनना है, तो भिखारी भी हाँ ही बोलता है, तो करता बनता क्यों नहीं करोड़पति, सपने पूरे क्यों नहीं होते, क्यों खाली 5% लोग धरती पे ऐसे हैं जो अपने सपने पूरे कर पाते हैं, बाकी 95% लोग सिर्फ गुजारे की जिंदगी जीते हैं। ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो, अपने माँ बाप को ही देख लेते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करी और कितने सपने पूरे कर पाए, कुछ भी नहीं, बस बस हमें ईमानदारी ही देखे गए, अच्छी बात है विरासत में ईमानदारी मिली, कुछ कर्ज मिला होगा, बाकी तो यार सपने तो पूरे हुए नहीं। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण ये है दोस्त कि हमारी जो आमदनी है ना वो बिल्कुल छोटी सी है, इनकम छोटा है और खर्चे बहुत बड़े हैं, आमदनी ठंडी खर्चा रुपया, एक मूवी आई थी ना यार, याद करो। तो बिल्कुल सही है भाई, जब किसी का इनकम अगर 1 तारीख को ही सैलरी उसकी खत्म हो जाए, 5 तारीख तक खत्म हो जाए, तो वो बेचारा क्या, कहाँ से सपने पूरे करेगा। और यही मध्यम वर्गीय परिवार की अभी कहानी हो रखी है कि खर्चा इतना, मतलब महंगाई इतनी हो चुकी है कि भाई अगर कोई बेचारा गलती से कोविड पॉजिटिव हो गया और गलती से आंवला खाने का मन कर गया, उसका जूस देना पड़ गया, तो करीबन 350 रुपए किलो तो आंवला हो रखा है। मतलब महंगाई अब इतनी, मतलब पार जा चुकी है कि भैया पेट्रोल जो है वो 100 के पार हो चुका है। अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तनख्वाहें उतनी हैं, गुजारा हो कैसे, बच्चों के स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, भाई कहाँ से होगा गुजारा, बताओ। इनकम बढ़ नहीं रही, सैलरी कम होती जा रही है या उतनी ही है। और यहां तक तो फिर भी ठीक थी स्टोरी, लेकिन ये कोविड आया ना, इसने तो और ऐसी तैसी फेर दी। पिछले कोविड में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे, पूरे कोविड को टोटल कर लें, और इस बार जो अप्रैल अप्रैल में डेटा आया है निकल के, वो तो 74 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। खैर, इन सारे डेटा को भी छोड़ देते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ इस समय पे कौन सा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है। असल में बिजनेस चल ही नहीं रहे, सारे तो दुकान बंद है, मॉल बंद पड़े हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा पड़ा है मोस्ट ऑफ द जगह पे। तो चलो बिजनेसमैन को छोड़ो, मुझे बताओ नौकरी का क्या हाल है, नौकरी लग रही कि छूट रही है, लगने की तो बात दूर, छूट हो रही है, और जिनकी छूट नहीं रही उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है पिछले 1 साल से। तनख्वाहें बढ़ने की बात छोड़ो, बॉस से जाके छुट्टी नहीं मांग पा रहे हैं लोग कि भैया 3 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि जिसने 3 दिन की छुट्टी मांगी उसको कह रहे भाई तू आई मत, तू रहने दे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से मेरी। खैर, इन सारी बातों को छोड़ो, आप मुझे बताओ दोस्त, बेरोजगारी कम हो रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हालत ऐसी है। पानीपत में 13 चपड़ासियों की नौकरी निकली, पानीपत हरियाणा में एक जगह है, अभी गूगल कर लेना इस वेबिनार की बात, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। अभी पीछे पानीपत में 13 चपड़ासियों की, कोर्ट में चपड़ासी लगने थे, 13 चपड़ासियों की पद निकले, है ना, पोस्ट निकली, 13,000 लोग आ गए उधर अपनी, अपना आवेदन पत्र लेके, जिसमें PhD भी है, MTech भी है, BTech भी है, ऐसे ऐसे लोग चपड़ासी बनने आ रहे हैं। ये तो बेरोजगारी का आलम हो चुका है। अरे ज्यादा दूर क्यों जाते हो भाई, अगर आप में से कोई ग्रेजुएशन कर रहा है ना, आप अगर कोई स्टूडेंट मुझे देख रहा है अभी, आपको खुद को पता है कि जो ग्रेजुएशन आप कर रहे हो ना, उससे आपको नौकरी नहीं मिलनी, आपको खुद को पता है ये बात।
और फिर आपसे पूछा जाए तो आप ग्रेजुएशन फिर कर क्यों रहे हो, तो उसके पीछे अटपटे आंसर है कि भैया रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कुछ तो करें, माँ बाप को दिखाने के लिए कुछ तो करें, भाई कुछ तो करें। ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करके लोग एमबीए करके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से आज के टाइम में 25-30 हज़ार रुपए की नौकरी पकड़ पा रहे हैं, ये हालत है दोस्त। और मैं डरा नहीं रहा हूँ, देखो मैं तो सोल्यूशन देने आया हूँ, लेकिन आपको सच्चाई से भी तो अवगत कराऊंगा। सच्चाई ये है, क्योंकि अगर भैया बिल्ली आंख बंद करे कुत्ता थोड़ी चला जाता है, कुत्ता तो सामने बैठा है। अगर तुम ये सोचते रहोगे कि भैया अच्छे दिन आएंगे कुछ अच्छा होगा, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी, ये करेगा, घर वाले कब तक पालेंगे, ना गवर्नमेंट करने वाली है, ना आसमान से रुपए टपकने वाले हैं, ना पेड़ों पे नोट लगने वाले हैं, कोई कुछ नहीं करने वाला दोस्त, क्योंकि करना आपको ही है। तो अगर आपकी एज 19 साल हो चुकी है, 18 से ऊपर हो चुके हैं, तो कृपया करके अपने करियर के बारे में सोचना चालू कर दे, क्योंकि कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। सफल अगर आपको होना है, करोड़पति आपको बनना है, इवन सर्वाइव करना आने वाले टाइम में, तो आपको ही करना पड़ेगा कुछ, ना माँ बाप करने वाले, ना रिश्तेदार, ना कोई आपका ऊपर भगवान करने वाला है। रोज नारियल फोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो दोस्त ये तो है हालत, ये तो है प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्यूशन भी तो देने आएगा कोई, तो मैं सॉल्यूशन देने आया हूं। तो मैं अब अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूं दौलतमंद बनने का फॉर्मूला। तो अगर आपके उसमें डायरी पेन है तो कृपया करके उसे ले लीजिए, क्योंकि अगली स्लाइड में मैं आपको दौलतमंद बनने का फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो फॉर्मूला बताने से पहले एक चीज को समझते हैं कि हम बेसिकली तीन चीज के लिए काम करते हैं। सबसे पहली चीज कौन सी है कि भैया हम मान लेते हैं कोई आदमी कहीं पे भी काम कर रहा है तो पैसे के लिए काम करता है, पैसे को खर्च करने का टाइम हो उसके लिए काम करता है, और तीसरा उसके पास में जीवन में सिक्योरिटी हो कि अगर उसको कुछ हो भी जाए तो भी उसको पैसा आता रहे, तो इसके लिए काम कर, बेसिकली हर एक आदमी तीन चीज के लिए काम करता है। अगली क्लिक पे जो है दौलतमंद बनने का फॉर्मूला निकल के आएगा, और फॉर्मूला है ये। अब बोलेंगे यार ये गोले गोले से क्या बना दिए, क्या फॉर्मूला हुआ, यही फॉर्मूला है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर पढ़ेंगे तो ऐसे ही दिखेगी कि ऊपर होता है मालिक, फिर आते हैं उसके नीचे बिजनेस हेड, फिर नीचे आते हैं कुछ वीपी एजीएम डीजीएम जनरल मैनेजर, और उसके नीचे आते हैं सीनियर वर्कर, उसके नीचे आते हैं वर्कर। जहां पे आप जॉब करते हो वो कंपनी ऐसे काम करती है, अगर नहीं भी करते तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करते, कॉलेज हो, बीजेपी हो, हर एक। और मैं आपको बता दूं इसके अगर अंदर जाएं तो अंदर ऐसा दिखता है कि पैसा, टाइम और सिक्योरिटी के अगर मैं ये तीन पैरामीटर लेके चलूं, तो जो ओनर है, मालिक है, उसके पास में पैसा भी है, उसके पास में टाइम भी बहुत है, और उसके पास में सिक्योरिटी भी है। अंबानी को ले लो, पैसे की भरमार है, टाइम मनचाहा है, भाई मन कर रहा है आज ऑफिस जाने का तो जाएगा, नहीं तो अपना घर पे रहेगा। और अगर अंबानी को कुछ हो भी गया तो उसका उसके घर वाले रोड पे नहीं आएंगे, ये बात तय है, क्योंकि क्योंकि पैसा आए जा रहा है। अब अगर रिलायंस में ही मैं अंदर जाऊं और अपर मैनेजमेंट को देखूं जिनकी तनख्वाहें 3.5 लाख से ऊपर हैं, तो पैसा भरपूर है उनके पास, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा और ना सिक्योरिटी होगी। मिडिल मैनेजमेंट के पास जाता हूं जिनकी आमदनी 35,000 से लेकर 3.5 लाख रुपए होती है, तो ना तो उनके पास में पैसा होता, ना उनके पास में टाइम होता, और ना सिक्योरिटी होती। और लोअर मैनेजमेंट के पास चले जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से कम है, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे वो नौकरी वाले हैं, जो 35,000 रुपए से महीने में कम कमाते हैं, तो टाइम उनके पास ठीक ठाक होता है, लेकिन ना पैसा होता और ना सिक्योरिटी होती। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को तो तीनों चीजें चाहिए। तीनों चीजें किसके पास है, ओनर के पास, मतलब मालिक के पास। तो मालिक के पास तीनों चीजें क्यों है, क्योंकि भैया उसके पास में एक नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क क्या बला है, समझाता हूं, चिंता काय करते हो। नेटवर्क क्या होता है, चलो आप खुद ही सोचो, कोई एक बहुत रईस आदमी सोचो, टाटा बिरला अंबानी अडानी गोदरेज जैसा करके सोचो, क्या इनके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो जवाब आएगा हाँ काम तो कर रहे हैं इनके नीचे कुछ लोग। ओके, अब एक कोई मिडिल क्लास या गरीब आदमी सोचो, सोच लिया, क्या उनके नीचे कोई आदमी काम करते हैं, तो जवाब आएगा नहीं कोई काम नहीं करते। तो नेटवर्क किसको बोलते हैं, जब किसी आदमी के नीचे कुछ आदमी काम करते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क। और मैं आपको बता देता हूं, जिसके पास नेटवर्क है वही आदमी करोड़पति है, पूरे इतिहास को उठाकर देख लो आप। भाई हमारे माँ बाप के नीचे किसी ने काम किया, तो जवाब है नहीं, बल्कि वो किसी के यहां जाके काम करते थे, तो देखो वो करोड़पति नहीं है। लेकिन अंबानी अडानी गोदरेज आप कितने बड़े बड़े लोग देख लो, सबके नीचे लोग काम कर रहे हैं, सबके नीचे लोग काम किए कर रहे हैं और करते रहेंगे, और इसलिए वो लोग करोड़पति हैं। तो एक निष्कर्ष निकल के आता है
एक एक निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई जिसके नीचे लोग काम करते हैं, जो आदमी नेटवर्क बनाता है वही आदमी करोड़पति बनता है। अब मेरा सवाल आपसे एक है, क्या आप नेटवर्क बना रहे हो? नहीं। तो गलत फहमी यह है कि बिना नेटवर्क बनाए भी हम करोड़पति हो सकते हैं। कोई भी नहीं हो पाया, इतिहास उठा के देख लो। तो अब यह बात आती कि नेटवर्क अगर बनाना है तो फिर बनाते क्यों नहीं? क्योंकि नेटवर्क बनाने का मतलब है बिजनेस खड़ा करना। तो ये जानते हुए कि बिजनेस में पैसा है, लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? भाई चार कारण है 95% लोग बिजनेस क्यों नहीं करते। कारण नंबर एक, उनके पास में पैसा नहीं है लगाने के लिए। भाई बिजनेस के लिए तो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, है ही नहीं। कईयों के पास है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि भैया रहन दो, हमारे तो बैंक में पैसा ठीक है, हम नहीं लगाते किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में। कई लोग रिस्क लेने को तैयार बैठे हैं तो उनको नॉलेज नहीं है, यार पैसा तो है लेकिन कौन सा बिजनेस चालू करूं, नॉलेज ही नहीं है। कईयों के पास नॉलेज भी है तो उनके पास में टाइम नहीं है कि भैया मैं तो अपना ऑलरेडी कुछ काम कर रहा हूं, मैं नया काम नहीं कर सकता हूं। अब मैं अगर एक ऐसे बिजनेस की बात करूं जिसमें आपका पैसा जीरो है, मतलब निल इन्वेस्टमेंट, तो रिस्क जीरो हो गया। नॉलेज एक सिस्टम देगा, हम देंगे नॉलेज आपको, हम बताएंगे बिजनेस कौन सा है, और पार्ट टाइम का बिजनेस है, घर पे बैठ के हफ्ते में 5-6 घंटे मोबाइल पे लगाने हैं और आप महीने के जितने चाहें उतने कमा सकते हैं। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, एक बार हाथ उठाओ। ओके, इतने सारे लोग, बाप रे बाप, तो सारे लोग हो गए, तो सारे करना चाहते हो, इसका मतलब चलो। मेरे बिजनेस पे जाने से पहले मैं दो लोगों के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बहुत पैसा कमाते हैं तो उनके बारे में जानते हैं कि वो क्यों कमाते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क बनाते हैं। दोस्त देखो, जैसे जियो ने, एयरटेल ने क्या बनाया, नेटवर्क। कोलगेट आपके बाथरूम में घुस गया, हल्दीराम, मैकडी, KFC ये जगह जगह खुल गई, है ना। हेड एंड शोल्डर, हार्पिक, लक्स ये आपके बाथरूम में घुस गए तो नेटवर्क बनाया। अब एक और प्रजाति है जो बहुत पैसा कमाती है, उनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। तो सेलिब्रिटी कैसा क्या करते हैं? भाई विराट कोहली ने लास्ट ईयर अगर मैं इसकी इनकम की बात करूं तो लगभग 280 करोड़ रुपए कमाए हैं, और 280 करोड़ रुपए में से मात्र इसके जो क्रिकेट से इनकम है वो 60 करोड़ है। बाकी 220 करोड़ रुपए जो कमाया है वो कैसे कमाया है? वो कमाया है मार्केटिंग करके। मार्केटिंग मतलब एडवर्टीजमेंट करके, किसी भी ब्रांड को एंडोर्स करके, किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करके। जैसे कि मान्यवर का मालिक थोड़ी है विराट कोहली, लेकिन मान्यवर के कुर्ते पजामे का एड कौन करता है? विराट कोहली। अब फेयर एंड हैंडसम का मालिक थोड़ी है शाहरुख खान, शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम का मार्केटिंग कर रहा है। डाबर आमला की मालकिन नहीं है भाई ये प्रियंका चोपड़ा, लेकिन ये क्या कर रही है? डाबर आमला की मार्केटिंग। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्त, विराट कोहली का मेन काम तो क्रिकेट है, तो ये मान्यवर ये वक्त जो 220 करोड़ रुपए इसने पिछले साल कमाया वो कब कमाया? वो कमाया अपने पार्ट टाइम में। पार्ट टाइम मतलब भाई क्रिकेट से खेल के पूरा क्रिकेट विकेट का काम करके जो समय बचता है। शाहरुख खान का मेन काम है मूवी बनाना, तो मूवी बना के जो समय बचता है, समय हर एक के पास 24 घंटे ही है, तो जो समय बचता है ना, ये मेरी और आपकी तरह टाइम वेस्ट नहीं करते कि व्हाट्सएप खेल लिया, वीडियो भेज दिया, या फिर अपना टाइम पास कर लिया, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, टपरी मार ली, फोन पे फालतू की बातें कर ली, व्हाट्सएप कॉल कर ली दोस्तों, ये टाइम वेस्ट नहीं करते। क्योंकि ऊपर वाले ने सबको एक चीज बराबर दी है, वो है समय। अमिताभ बच्चन को भी 24 घंटे दिए और आपको भी 24 घंटे दिए, लेकिन ये अपने मेन काम जो करते हैं ना, वो काम करने के बाद में जो समय बचता है उसमें ये मार्केटिंग करते हैं। सचिन तेंदुलकर को हम MRF के नाम से जानते थे, बिल्कुल सही बात है। अमिताभ बच्चन देख लो आप, नवरत्न तेल की मार्केटिंग करता है, ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो मार्केटिंग ना करता हो। तो मेरे दोस्त ये अपने पार्ट टाइम में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने पार्ट टाइम में कितना रुपया कमा रहे हो? तो आपकी गर्दन इस दिशा में हिली होगी। और यही मध्यम वर्गीय परिवार की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मध्यम वर्गीय परिवार में अगर कोई आदमी के पास में एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया कि भैया अगर गलती से नौकरी लग गई, ओहो, पूरा मोहल्ला, दोस्त, रिश्तेदार, यार उसको इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि भैया अब तुझे तो किसी भी और काम की जरूरत ही नहीं। मेरे गांव में अगर कोई चपड़ासी लग जाए ना तो पूरे गांव में लड्डू बांटे जाते हैं। और है लगा चपड़ासी, सोसाइटी इतना उठा देती है आपको, अंदर से आपको पता है कि भैया जो 25,000 रुपए मिल रहे हैं, 25,000 में गरीबी की ऐसी हालत है,
घर कैसे चलता है, महीना कैसे निकलता है, वो तो आपको पता है, लेकिन सोसाइटी ने इतना स्टेटस बना दिया आपका, इतनी इज्जत दे दी कि बस पूछो मत, आप दूसरा काम करने को रेडी नहीं हो। और रईस आदमी की सबसे बड़ी पहचान क्या है, वो कभी भी एक काम नहीं करता। अंबानी को देख लो आप, रिलायंस फ्रेश खोल दिया जिसमें अपना आलू बैंगन टमाटर मिर्च बेच रहा है, तो रिलायंस डिजिटल खोल दिया जिसमें सारे डिजिटल गैजेट बेच रहा है, तो रिलायंस अपना ट्रेंड्स खोल दिया जिसमें कपड़े बेच रहा है, रिलायंस की रिफाइनरी खोल दी, रिलायंस के भैया अपना क्या नाम है अभी टैक्सी लॉन्च कर रहा है, रिलायंस का जियो भी है, रिलायंस के पेट्रोल पंप कर दिए। रिलायंस ने क्या कभी सोचा कि यार अब ठीक है रिफाइनरी चल तो रही है, क्या करेंगे रिलायंस जियो लॉन्च करके? ना, इनका सबसे बड़ी पहचान ही ये है कि ये एक काम करके एक काम को सेट करेंगे फिर दूसरे काम पे लग जाएंगे। इलॉन मस्क धरती का सबसे अमीर आदमी जो है, उसकी 7 कंपनियां हैं, स्पेसएक्स ले लो या फिर आप आज के टाइम पे, मतलब उसकी 7 कंपनियां चलाता मेरे दोस्त, वो टेस्ला ले लो। टेस्ला बनाने के बाद में उसने ये नहीं सोचा अब टेस्ला तो बन गया, क्या करेंगे स्पेसएक्स बना के, ना बोला ना एक है तो दूसरा भी होना चाहिए। पता है क्यों? ये हम ना हम हमारी डे टू डे लाइफ में है लेकिन हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे आपके घर में इन्वर्टर होगा, क्यों है कि अगर लाइट चली जाए तो इन्वर्टर काम दे देगा। आपकी गाड़ी में टायर होगा, एक स्टेपनी टायर बोलते हैं, क्यों? टायर अगर पंक्चर हो जाए तो स्टेपनी टायर काम दे देगा। आपके पास में पावर बैंक है, क्यों कि अगर कहीं लाइट नहीं है, अगर मोबाइल चार्ज करना है तो पावर बैंक चार्ज कर देगा। लेकिन क्या आपके पास में कोई भी इनकम को लेके पावर बैंक है, इनकम को लेके कोई इन्वर्टर है कि भैया अगर मेन इनकम बंद होगी तो कहीं ना कहीं से तो अपने पास इनकम आती रहे? तो जवाब है नहीं। ये यहां पे हम इग्नोर कर देते हैं इनकम में, इन्वर्टर में इग्नोर नहीं करते कि भैया बिजली पूरी रहनी चाहिए। अरे दोस्त, आज समय आ गया है, आज दूसरी सोर्स ऑफ इनकम होना कोई फैशन नहीं है, मजबूरी है। अगर घर में वो 2-3 या 4 जगह से पैसा नहीं आता ना दोस्त, तो आज वो घर सशक्त नहीं है, वो अच्छे तरीके से जी भी नहीं पा रहा आज के समय पे, वो घर बस गुजारा ही हो रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा दोस्त कि अपना प्लान भी जरूर लेके चले, और आज उसी प्लान भी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, और आगे बढ़ के हमने देखा कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बिजनेसमैन से चुराया नेटवर्क और सेलिब्रिटीज से ले लिया मार्केटिंग। बिजनेसमैन क्या बना रहे थे? नेटवर्क। सेलिब्रिटी क्या कर रहे थे? मार्केटिंग। और दोनों को मिला दिया और हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी बनी जिसको बोला गया नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, शायद आपने इसके बारे में सुना हुआ होगा, और जितना सुना है मुझे पता है कि कूड़ा ही सुना है, क्योंकि असलियत तो पता ही नहीं आपको। अब असलियत तो कोई कौन बताएगा आपको? असलियत तो वो बताएगा जो उस इंडस्ट्री में है। भाई चंद्रयान के बारे में असलियत कौन बता सकता है आपको, जिसने चंद्रयान बनाया है या जिसको जो साइंटिस्ट है? अब बाकी जो पंजाब केसरी पढ़ के चाय की टपरी बैठ के बनियान में जिसके छेद है, चश्मे इतने मोटे मोटे लगा के, अगर आप उससे चंद्रयान का पूछोगे बता तो देगा, लेकिन क्या वो सच होगा? तो जवाब नहीं, वो तो अपने ज्ञान से बताएंगे। तो दोस्तों, आपके दिमाग में जिसने भी नेटवर्क मार्केटिंग घुसेड़ी है या डाली है, या जिसने भी आप जिससे भी आपने सुना है नेटवर्क मार्केटिंग का, क्या वो आदमी सफल था जिसने आपके कान में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे कुछ नेगेटिव बोला? क्या वो आदमी अपने जीवन में सफल था? क्या वो करोड़पति है? क्या वो मर्सिडीज में आया था आपको बताने कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार काम है? तो जवाब है ना, बल्कि वो तो खुद आपसे पैसे मांगता है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को गाली दी है। अब नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई बताता हूं मैं थोड़ा सा आपको, है क्या नेटवर्क मार्केटिंग पहले जानते हैं। देखो, कोई भी साबुन आपके अगर घर में आया, टूथपेस्ट आपके घर में आया, कुछ भी चीज आपके घर में आए, तो आई कैसे वो समझो। सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग करी, फिर नेशनल एजेंट के पास गई, वो डायरेक्ट ऐसा तो था नहीं ना कि आप लक्स साबुन बना और लक्स जैसे ही बना तो तुरंत आपके घर में आ गया गर्मा गर्म साबुन की टिक्की, ना। कैसे आया? नेशनल एजेंट के पास गया, फिर होलसेलर के पास गया, फिर उसको सेल्स फोर्स ने बेचा इधर उधर। अच्छा, फिर वो आलिया भट्ट भी आई, करीना कपूर भी आई, एक गोरा बदन हल्दी चंदन लक्स साबुन ले लो, तो उन्होंने भी कुछ एडवर्टीजमेंट करा, 20-25 करोड़ रुपए वो ले गई। फिर रिटेलर मतलब दुकानदार, दुकानदार के पास में लक्स आया, और उसके बाद आप दुकानदार के पास गए और बोला लक्स साबुन दे, 5 रुपए की टिक्की 35 रुपए की हो गई, क्योंकि भैया 30 रुपए जो है ये बीच के लोग खा गए। अब ये 1920 में किसी के दिमाग में आया कि यार अभी बीच के लोगों को हटा दूं मैं, और सीधा जो है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को सामान मिल जाए, तो भैया कितना पैसा बच जाएगा, बहुत पैसा कमा सकते हैं। बस इसी चीज को, मैन्युफैक्चरर से जब डायरेक्टली आपको सामान मिल जाए, जो बना रहा है सामान उसी से डायरेक्ट आपको सामान मिल जाए, तो उसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसमें इलीगल पता नहीं क्या लगता है लोगों को। भाई इसी तर्ज पे जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी काम करते हैं,
क्योंकि बीच में नहीं, इसीलिए वहां पे सस्ता सामान मिलता है आपको, क्योंकि बीच के लोग ही नहीं उसमें, गायब है। लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आप पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसे कमा सकते। असलियत ये है नेटवर्क मार्केटिंग की कि 2017 में 189.6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया है नेटवर्क मार्केटिंग ने 2017 वर्ल्ड वाइड। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं और $1 ₹75 के बराबर है दोस्तों, कैलकुलेट कर लेना आप। और 2017 में $76 बिलियन जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों में पैसा बट गया। और मैं बताऊं अगर आपको तो अमेरिका में 2017 में $35 बिलियन का टर्नओवर हुआ था और वहीं इंडिया में मात्र 1.5 बिलियन का हुआ। अब इंडिया जो है अमेरिका से 10 साल पीछे है, तो 10 साल बाद मतलब 2027 में इंडिया का टर्नओवर कितना होगा? $35 बिलियन जो अमेरिका का था, अभी कितना है? 1.5, तो 30 गुना इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। अब चलो मुझे एक बात बताओ, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कौन सी इंडस्ट्री में स्कोप सोच रहे हो? क्या इंजीनियरिंग सेक्टर में कोई भविष्य दिख रहा है आपको? रियल एस्टेट में, मैन्युफैक्चरिंग में, एविएशन इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में? सैचुरेट हो चुका है भाई मामला आज के समय पे, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं जिसमें भविष्य दिखता हो बच्चों को। बेचारे पैदा हो रहे हैं रोज 50,000, और वो पैदा हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है 18 साल बाद उनको कुछ नहीं मिलना। अब वो क्या लग रहा है, आज से 20 साल पहले घर से पकड़ पकड़ के नौकरी पे लगाते थे। अगर मैं 1980 की बात करूं तो हमारे माँ बाप जो छिपते थे कि भैया कहीं फौज वाले ना ले जाएं, पुलिस वाले ना ले जाएं और हमें पकड़ के सिपाही भर्ती कर देंगे, आज उसी सिपाही की भर्ती के लिए 25 लाख रुपए लेके घूम रहे और सिफारिश लेके घूम रहे, नौकरी नहीं मिल रही वो मात्र 30 साल के बाद। आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो कहां से नौकरी मिलेगी? अरे नौकरियां है ही नहीं, 2025 में नौकरियां देख लेना गायब ही हो जाएंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए जा रहा है, सब गायब हो जाएगा, लोगों की तो मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होगी। तो मेरे दोस्त, दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जिसका भविष्य है, ये मैं बता दे रहा हूं आज आपको। ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है, और देखो फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते, फैक्ट्स नेवर लाई। 2019 में 15वां रैंक था नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया का पूरे वर्ल्ड वाइड। और अगर मैं बात करूं, चलो मेरी बात मत मानिए, एक ये इंसान है, इनका नाम है अमिताभ कांत, कौन है, एक IAS ऑफिसर है और करंटली CEO है नीति आयोग के, मतलब हेड है नीति आयोग के। नीति आयोग क्या है? एक ऐसी संस्था है जो भारत की गवर्नमेंट चलाती है इस संस्था को, और जो क्या करती है, भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। तो एक IAS ऑफिसर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या बोलता है, जरा उन्हीं की जबानी सुनिएगा। डायरेक्ट सेलिंग industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. क्या बोला? It is a major driver of India's growth. मतलब इंडिया की ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ है इसका। अब मैं डायरेक्टली पॉइंट पे लेके जाता हूँ, देखो आपको यहाँ से सुनना। Economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it'll keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. इन्होंने बोला कि भैया भारत में जो है आज के समय पे युवाओं की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, 2040 में इंडिया नंबर वन युवाओं का देश होगा, लेकिन यूथ के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, वो है रोजगार। अब भारत में रोजगार पैदा करने के मात्र दो ही तरीके हैं, एक तरीका इन्होंने बताया, वो तरीका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े स्केल पे करो, और दूसरा जो तरीका इन्होंने बताया है वो बताया है कि भैया डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं नहीं कह रहा हूं, एक IAS ऑफिसर कह रहे हैं, और इंडिया में जितने IAS ऑफिसर हैं जिनकी रिपोर्टिंग जिस आदमी को उनको देखते हैं उनसे मिलिए, इनका नाम मिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। तो नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या बोलते हैं, तो इन्होंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एड्रेस, क्योंकि बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है, डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। अगर मैं इनकी एक और बात बताऊं, जो पिछली बार जब आत्मनिर्भर भारत ने लॉन्च करा था तो इन्होंने तब बोला था ये बात कि डायरेक्ट सेलिंग वो मतलब वो घोड़ा साबित होगी जो भारत की डूबी हुई इकोनॉमी को ऊपर लेके आएगी, और वो हुआ भी है। अब फिक्की और KPMG, फिक्की एक संस्था है जो सारे इंडिया के बिजनेस को देखती है, और KPMG वर्ल्ड की चौथे नंबर की ऑडिट कंपनी है, वर्ल्ड की चौथे नंबर की ऑडिट कंपनी है,
इन दोनों ने मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट में बताया कि 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग जो है 64,500 करोड़ रुपए की हो जाएगी इंडिया इंडिया में। दोस्त मैं आपको बता दूं ये आंकड़ा लगभग 1,00,000 करोड़ तक जाने वाला है, क्योंकि जब ये इन्होंने फोरकास्ट किया था ना 2014 में, तब कोविड नहीं था और ये सोच रहे थे इस बात को कि नौकरियां ऐसे ही चलती रहेंगी, रोजगार मिलता रहेगा लोगों को और नेटवर्क मार्केटिंग भी चलती रहेगी साइड बाय साइड। इनको ये अंदाजा नहीं था कि कोविड आने के बाद में नौकरियों में इतनी दिक्कत हो जाएगी, है ना, रोजगार में, बिजनेस में इतनी दिक्कत हो जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सर टर्नओवर जो है डबल होता जा रहा है आने वाले सालों में, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और सबसे लकी हम क्यों हैं, क्योंकि हम इंडिया की नंबर वन कंपनी के साथ हैं, क्योंकि उसी रिपोर्ट में खैर ये भी बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे अलग है फ्रॉड और जेन्युइन कंपनी से, इसी रिपोर्ट के तहत उन्होंने सबमिट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन अच्छी बात क्या है कि सर हम जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं सर वो इंडिया की नंबर वन कंपनी है, कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है पदचिन्ह, इंग्लिश में फुटस्टेप। 2004 में चालू हुई थी, प्योर इंडियन कंपनी है वेस्टीज, प्योर इंडियन कंपनी जिसके तीन मालिक है मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सूद सर और मिस्टर कन्वर बीर सर। पहले साल जब 2004 में चालू हुई तो पहले साल का टर्नओवर था 2.5 करोड़ और लास्ट ईयर का टर्नओवर है लगभग 2,500 करोड़। हम इंडिया की नंबर वन कंपनी है 2018 से, और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो हम वर्ल्ड में 30वें रैंक पे आते हैं। अकेली ऐसी इंडियन कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, राइट। इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन जैसे देशों में हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, नाइजीरिया, इवन यूएसए में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। कोविड ना तो शायद लॉन्च भी हो चुके होते। 7500 लोग ऐसे हैं जो वेस्टीज से पैसा कमा के अपनी फोर व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं और 400 लोग ऐसे हैं जो लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर, ऐसी लग्जरी गाड़ियां चला रहे हैं 400 ज्यादा लोग। 2 करोड़ लोग से ज्यादा हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी। 137 करोड़ लोग हैं इंडिया में, पॉपुलेशन बहुत बची है और 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं और 3000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं। अब बात आती प्रोडक्ट की, तो वेस्टीज बनाती क्या है? वेस्टीज हर वो सामान बनाती जो आपके घर में यूज होता है, जैसे कि आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, ऑयल कुछ यूज होता है तो वेस्टीज वही बनाती। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, है ना, चाय पत्ती, कॉफी, बर्तन धोने का, ये आपके घर में यूज होते हैं तो वेस्टीज वो भी बनाती है। वेस्टीज हेल्थ सप्लीमेंट्स भी बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज के समय का, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, कि आदमी आज के समय पे सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्यूनिटी की वजह से, मतलब अगर कोविड नेगेटिव है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्यूनिटी की वजह से वो बच के बाहर आ रहा है अगर कोविड पॉजिटिव हो गया है, और अगर नहीं हो रहा कोविड पॉजिटिव तो अपनी इम्यूनिटी की वजह से नहीं हो रहा। तो दोस्त हमारे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कोविड में अपना काम ऐसा कर रहे हैं दोस्त कि कोविड पॉजिटिव आदमी को भी नेगेटिव कर दिया, ऑक्सीजन लेवल जिनका नीचे था उनको तक ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल पे ले आए। तो हमारे कुछ 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं। नंबर 1 इज स्पाइरुलिना। अगर आपके आसपास में कोई है जिसको कोविड है या जो लग रहा है इम्यूनिटी वीक है तो उसको जरूर ये 5 प्रोडक्ट देना, आज ही चालू कर देना दोस्त। सबसे पहला प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना, दूसरा प्रोडक्ट है करक्यूमिन, तीसरा प्रोडक्ट है आंवला, चौथा प्रोडक्ट है हमारा क्या नाम है उसका, सीबकथॉर्न, और 5वां जो हमारा प्रोडक्ट है वो सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है वो है नोनी। तो मेरे दोस्त ये 5 प्रोडक्ट जरूर से जरूर खाएं। और चौथा हमारा जो सेगमेंट है प्रोडक्ट का वो है एग्रीकल्चर सेगमेंट, और 5वां जो सेगमेंट है ये भी कोविड में बहुत कारगर साबित हो रहा है, हॉस्पिटल्स में बड़ी डिमांड है आज के समय पे, और वो प्रोडक्ट है एयर प्योरीफायर। जिनका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है उस कमरे में बहुत जरूरी है, जो कोविड पॉजिटिव है अगर एक ही छत के नीचे लोग रह रहे हैं उस घर में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोविड को फैलने से भी रोकता है हमारा एयर प्योरीफायर। और वाटर प्योरीफायर हमारा शार्प का है, जो कि 2 कैटेगरी आती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में। 6ठी कैटेगरी है लेडीज के कॉस्मेटिक्स में, 7वीं कैटेगरी है हमारा प्रीमियम स्किन केयर। अब बात आती है कि भैया एयर प्योरीफायर की जरूरत क्या है, पॉल्यूशन तो घर के बाहर है, घर के अंदर थोड़ी पॉल्यूशन है। तो यही बात हमने गूगल करी और निकल के आया कि आपके और मेरे घर में दोस्त बाहर से 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है। आप गूगल करिएगा इस चीज को, इस डेटा को। तो कितने लोग पोल्यूशन से मरते हैं एक साल में,
50 लाख लोग इंडिया में मर रहे हैं पॉल्यूशन से, 50 लाख चौथे नंबर का कारण है लोगों की मौत का इंडिया में ये। तो घर के पॉल्यूशन से कितने लोग मरते हैं, 16 लाख लोग हर साल मरते हैं घर के पॉल्यूशन से। और दोस्त आज के समय पे तो आपको पता है कि एयरबोर्न हो रखा है कोरोना वायरस, हवा में फैल रहा है, इसलिए मास्क लगाए घूम रहे हैं। इवन बड़े बड़े डॉक्टर्स भी ये बात बोल रहे हैं कि आप घर में मास्क लगा के रहो और डबल मास्क लगा के रहो। तो अब मास्क का एयर प्यूरिफायर का क्या लेना देना कोरोना वायरस का? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि हमारा अकेला ऐसा एयर प्यूरिफायर है पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सफदरजंग हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली का, जिसने हमसे 20 एयर प्यूरिफायर खरीदे, कहां पे लगाने के लिए, COVID-19 आइसोलेशन फैसिलिटी में। पुणे हॉस्पिटल ने 55 एयर प्यूरिफायर खरीदे, महाराष्ट्र पुलिस ने 8 एयर प्यूरिफायर खरीदे। और दोस्त इन्हीं क्लेम्स को देख के नागासाकी यूनिवर्सिटी जो कि जापान में है, उसने हमारे ऊपर रिसर्च किया, शोध किया इस एयर प्यूरिफायर पे कि क्या ये सच बात है कि सच में कोरोना वायरस को मारता है एयर प्यूरिफायर। तो उस रिसर्च की जो रिजल्ट आए उसमें आया कि मात्र 30 सेकंड में ये 91.3% कोरोना वायरस के बैक्टीरिया को, इनको सबको वायरस को मार देता है। दोस्त ये सारे प्रोफेसर थे इंक्लूडेड उसमें। ये एयर प्यूरिफायर एंड कोविड न्यूज देखिए दोस्त, ये लिखा हुआ है क्लियर आज के समय पे कि कोरोना वायरस को अगर रोकना है तो घर में एयर प्यूरिफायर लगाइएगा। ये देखिए राम मनोहर लोहिया में 200 एयर प्यूरिफायर लगे हैं दोस्त, लीलावती हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल, मेडिसिटी हॉस्पिटल। अगर आप देखेंगे, आप गूगल करेंगे तो सारी गूगल की स्क्रीनशॉट ली हुए मैंने। तो हॉस्पिटल्स में एयर प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं। अब या तो हॉस्पिटल बेवकूफ है, समझ जाइए दोस्त, राइट। अब कुछ ऐसी फैमिलीज मैं दिखाता हूं आपको जिन्होंने एयर प्यूरिफायर खरीदा और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया। ये इतने सारे लोग हैं दोस्त जिन्होंने अपने घर के लिए एयर प्यूरिफायर लिया और अपनी फैमिली को आज कोविड से बचा रहे हैं। ये सारी की सारी फैमिलीज ने देखिएगा अपना एयर प्यूरिफायर लिया हुआ है। अब आगे देखेंगे तो आगे लेके चलता हूं मैं आपको। यस, तो ये सारे लोग हैं सर जिन्होंने एयर प्यूरिफायर खरीदा है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। यस, तो बात सवाल ये उठता है कि भैया हम वेस्टिज से खरीदे क्यों, सामान क्यों खरीदे? तो 6 कारण है बेसिकली आप वेस्टिज से क्यों खरीदें। सबसे पहला कारण क्या है कि अगर आप घर का सामान तो लाएंगे, वो तो ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं से लेंगे, या तो बिग बाजार से लेंगे, नहीं तो परचून की दुकान से लेंगे। और मैं आपको बता दूं कोविड में भी वेस्टिज चल रहा है, ऐसा नहीं है, डिलीवरीज हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से डिलीवरी कर रहा है वेस्टिज। सो सबसे पहला जो फायदा है अगर आप वेस्टिज से सामान खरीदते हैं, तो सबसे पहला फायदा क्या है कि आपको MRP पे सामान नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं परचून की दुकान पे जाएं या बिग बाजार या कहीं भी जाएंगे तो आपको MRP पे सामान मिलता है, लेकिन अगर आप वेस्टिज से सामान खरीदेंगे तो आपको MRP पे नहीं मिलेगा साबुन तेल शैंपू कॉफी चाय पत्ती, आपको 10-20% ऑफ पे सामान मिलेगा। दूसरा फायदा क्या है, आप ही की खरीद पे 5-11% आपके अकाउंट में रिटर्न आएगा, जितना भी आपका बिल बनेगा उससे 5-11% आपके अकाउंट में वापिस आ जाएगा। तीसरा फायदा क्या है, आपको सर फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे 200-400 रुपए के। चौथा फायदा क्या है, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आते तो आप 100% पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, आप सामान वापस करिए, सामान पैसा वापस ले लीजिए। पांचवा फायदा क्या है, लकी ड्रॉ निकलता हर महीने हमारा, जिसमें आपको टीवी लैपटॉप वगैरह सारे मिलते हैं। और छठा फायदा, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता आपको, छठा फायदा क्या है कि अगर आप मात्र चार महीने के लिए 3,000 रुपए का अगर सामान आप लेते हैं वेस्टिज से, तो पांचवें महीने आपको 2,500 रुपए का सामान टोटली फ्री मिलता है। क्या आपके साथ आज तक ऐसा हुआ कि आप परचून की दुकान वाले सामान लिए जा रहे इतने सालों से, और एक दिन आप जाते हैं और बोलते हैं भैया ये सामान दे दो, और वो बोलता है पैसे मत देना भैया क्योंकि आप पिछले 3 साल से मेरे से सामान खरीद रहे हो, तो आप एक काम करो इस बार ये 2,000 रुपए का राशन फ्री ले जाओ। क्या कभी ऐसा हुआ? ना हुआ है और ना होगा। लेकिन वेस्टिज बोलती है कि भाई तुम मात्र अगर 4 महीने मेरे से खरीदते हो ना सामान, तो 5वें महीने 2,500 रुपए का सामान फ्री ले जाओ, ऐसा पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। तो ये 6 फायदे हैं दोस्त वेस्टिज से खरीदने के। और क्या फायदा है, अगर आप यही बात अपने 6 दोस्तों को बताते हैं और वो 3,000-3,000 रुपए का सामान ले लेते हैं, तो सर आपको 2,500 रुपए का सामान और फ्री मिलेगा इसी महीने में, कूपन मिलेगा आपको 2,500 रुपए का। और क्या फायदा है सर, 9 तरीके से आपके अकाउंट में पैसा जाता है, तो जिससे आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड से आप घूम सकते हैं, जैसे कोविड खत्म होगा तो घूमने जाना, कार फंड से आप अपना गाड़ी ले सकते हैं, हाउस फंड से घर बना सकते हैं, और एलीट क्लब बोनस, ऐसे करके 9 तरीके से इनकम आती है।
कहां कहां घुमाया है वेस्टीज ने, स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टरडेम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसे देशों में वेस्टीज ने घुमाया है। और एक कार फंड से लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां ली हैं और हाउस फंड से लोगों ने अपने घर बनाए हैं। अब मैं कुछ लोगों से लास्ट में आपको 5 मिनट में मिलवाता हूं जिन्होंने हमारे साथ में भी 1-2 महीने पहले काम चालू किया और उन्होंने धुआंधार काम किया और अपना पार्ट टाइम में नौकरी के साथ साथ में उन्होंने आज अपना गजब पैसा कमाना चालू कर दिया। तो सबसे पहली शख्सियत से मिलवाता हूं आपको, इनका नाम है प्रतिभान अर्पित सिंह। अर्पित जी जो है मुंबई में रहते हैं, वैसे ये बिलोंग करते हैं यूपी से, मुंबई में रहते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में और इनका ये तीसरे महीने का पे आउट है 32,929 रुपए। मिलवाता हूं आपको मैं प्रतीक भंडारी जी से, इंदौर के रहने वाले हैं ये, आईआईएम इंदौर के पास आउट। मैं आपको एक बहुत अहम एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आईआईएम इंदौर। आईआईएम आपको पता है भैया कि इंडिया के टॉप 20 इंस्टीट्यूशंस में आते हैं मैनेजमेंट में। तो ये इन्होंने अपनी एमबीए वहां से की है, आईआईएम इंदौर से, और आज एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल कंपनी में ये जॉब कर रहे हैं। लगभग 1.5-2 लाख रुपए इनकी तनख्वाह भी है और इन्होंने पहले महीने में ही 25,000 रुपए अपनी नौकरी के साथ में हमारे साथ स्टार्ट करके कमाया। जबरदस्त प्रतीक सर। राकेश यादव जी ने तो चौंका दिया है दोस्त, नीचे राकेश यादव जी को देखेंगे आप गोले गोले में है, 39,238 रुपए का पे आउट है दोस्त। आज नौकरी नहीं लगती लोगों की इतनी जिनका इतना पहले महीने का पे आउट है, तो गजब है राकेश यादव जी, गजब काम किया आपने। मिलवाता हूं प्रशांत राजपूत, ये जो लड़का है ना ये 19 साल का, इसने ये इतिहास रच रहा है भाई आज के टाइम पे। ये लड़का कभी आईफोन 11-12 ले आता है, अभी इसने इस महीने जो पैसा आया उससे एक मैकबुक एयर खरीद लिया करीबन 85,000 रुपए का। यार ये लड़के ने तबाही मचा रखी है, गजब काम कर रहे हो प्रशांत राजपूत आप 19 साल की उम्र में मात्र। मिलवाता हूँ सूरज कपूर से, ये तो गजब ही काम कर दिया इसने, ये अनएक्सपेक्टेड इंसान है, स्टार डायरेक्टर रैंक पे है अभी और पिछले महीने का पे आउट है 52,543 रुपए। क्या गजब काम किया सूरज यार आपने। और इस जोड़ी ने तो पूरा पंजाब हिला दिया, दोनों पाजी हमारे पंजाब से, बलजिंदर और इंद्रजीत पाजी, दोनों का टोटल मिला के एक ही आईडी पे काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं एक फर्म पे, तो 60,000 रुपए का पे आउट है पिछले महीने का। क्या गजब काम किया है दोनों ने। और मिलवाता हूं मैं शिवा मिश्रा से, इनका जो लास्ट मंथ का पे आउट है भाई वो है 74,000 रुपए और पिछले 2 महीने का पे आउट है 1,52,000 रुपए। मैं बता देता हूँ ल्यूपिन में ये जॉब करते हैं, ल्यूपिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें ये कंट्री टॉपर है परफॉर्मेंस वाइज, ये मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है और पार्ट टाइम में नौकरी के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और पिछले महीने 74,000 रुपए कमाए इन्होंने। मिलवाता हूँ विद्या मैडम से, भाई इन्होंने तो पिछले महीने बहुत जबरदस्त काम किया, पूना से हैं विद्या कांबले मैडम, कभी 35,000 रुपए की नौकरी करती थी पुणे जब मैं मिलने गया इनसे, और आज हमारे साथ में सर 78,000 रुपया कमा रही है ऑलमोस्ट, गजब काम किए हो विद्या मैम। ये जगत सिंह बिष्ट जो है ना ये जगत के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं, आज मात्र 7,000 रुपए का नौकरी करते थे एक फोटो स्टेट की दुकान पे और हमारे साथ में बिजनेस चालू किया पिछले साल, लगभग इनको आज 11 महीने हुए हैं, नहीं इनका शायद 10वां महीना था, 10वें महीने का पे आउट है 87,125 रुपए और 7,000 रुपए की नौकरी करते थे ये शख्स, गजब काम किया यार जगत जी यार। और प्रियांश और मनोज चौहान, ये हिस्ट्री क्रिएट करता जा रहा है ये इंसान जो है, ये कपल जो है 93,425 रुपए का पे आउट है, जिसमें ये अभी जॉब भी करते हैं और डेल में सीनियर मैनेजर है और लगभग इनकी तनख्वाह 1,25,000 रुपए है वहां पे, नौकरी के साथ साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ में जो कि हाउस वाइफ है और पिछले महीने का जो इनका पे आउट है वो है 93,000 रुपए, गजब यार मनोज सर गजब। अगला कपल धुआंधार कपल है टीएसएस के इतिहास में, अगर नाम लिया जाएगा कि सबसे पहले मर्सिडीज किस कपल ने ली तो इस कपल का नाम आता है और नाम है भूपेश एंड मेगा, गजब की लीडरशिप है, मनोज और प्रशांत इनकी ही टीम में आते हैं और पिछले महीने का पे आउट है 1,37,449 रुपए। जॉब किया करते थे भूपेश मेहरा जी, 15 साल नौकरी करी और 15 साल नौकरी करके इन्होंने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ली और यहाँ पे मात्र 10 महीने हमारे साथ वेस्टीज करी और मर्सिडीज सी क्लास 50,00,000 रुपए की गाड़ी आज चलाते हैं भूपेश जी और मेगा मैम, तो सुपर काम किए हैं और इस महीने और जबरदस्त अच्छा काम करने वाले हैं, तो सैल्यूट है सर आपको। मिलवाता हूं मैं अगले शख्सियत से, ये इमोर्टल है, इमोर्टल मतलब अमर है, अजर है, अविनाशी है
ये कैलाशी है, सुनील कुमार सिंगा नाम है इनका, ओडिशा से बिलोंग करते हैं। पिछले मार्च मेरी जब इनसे मुलाकात हुई तो ये एक अनसक्सेसफुल एक कॉन्ट्रैक्टर थे और बर्बाद हो चुके थे और लाखों का कर्जा था इनके ऊपर और सुसाइड करने की प्लानिंग कर रहे थे। जब मैं इनसे उड़ीसा मिलने गया, भुवनेश्वर में मुलाकात हुई, बालेश्वर से बिलोंग करते हैं ये। और मैं आपको बता दूं सर, सिर्फ एक होप था मैंने इनको जो दिया, मैं कहा सुनील सर आप टेंशन ना लो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप चालू करो मेरे साथ। इन्होंने चालू किया और सर आज एक साल के बाद ये महीने का कमा रहे हैं 1,40,000 रुपया। गजब काम कर रहे हैं सुनील सर आप, सल्यूट है आप। अगला जो कपल है भाई, ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कपल है, सक्सेस मशीन है, मैं बोलूं तो आपको परफॉर्मेंस के मालिक हैं। नाम है अलीप्रू मारमा एंड विनोद रे। अलीप्रू जो है वो बांग्लादेश से बिलोंग करती है, विनोद जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं। दिसंबर में 1,00,000 का पे आउट, बढ़ते बढ़ते जनवरी में 1,20,000, बढ़ते बढ़ते फरवरी में 1,36,000, बढ़ते बढ़ते मार्च में 2,13,000, बढ़ते बढ़ते अप्रैल में 1,94,000। पिछले 5 महीने की इनकम है 7,50,000 रुपए। अब ये जानते हैं कि विनोद करते क्या थे। सर विनोद जो है वो रेडिसन ब्लू फरीदाबाद होटल में वेटर का काम करते थे आज से मात्र 3.5 साल पहले, आप जाके पता कर लेना। और आज ये इंसान सर 2,00,000 रुपए महीने कमा रहे हैं। बात 2,00,000 रुपए महीने कमाने की नहीं है, बात यह है कि इनकी टीम में लोग 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं। तो जबरदस्त काम किया है विनोद जी आपने, सैल्यूट है आपको यार। मिलवाता हूं मैं अपनी टीम के पावर कपल, एनर्जी कपल, सक्सेस कपल, अगर मैं बोलूं सक्सेस मशीन, तो इन्होंने धुआंधार काम किया यार। दोनों जबरदस्त पर्सनालिटी हैं। 25 जून को इनकी पहली सालगिरह है। पहले बता देता हूं कि सालगिरह के बारे में क्यों बताया, क्योंकि 25 जून को ये लोग मर्सिडीज सी क्लास ले रहे हैं। लगभग 60,00,000 प्राइस हो चुका आज के टाइम पे सी क्लास का। तो शिवानी एंड हिमांशु इनका नाम है, हिमांशु ने जिसने होस्टिंग करी आज। आज हिमांशु जो है पहले विप्रो में जॉब करते थे और शिवानी आईबीएम में जॉब करती थी। आज हिमांशु और शिवानी दोनों अपनी नौकरी छोड़ के हमारे साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और 2,38,280 रुपए का पेआउट है पिछले मंथ का। क्या गजब काम किया है यार, क्या लीडरशिप है। इनकी टीम में आते हैं सूरज, विनोद और जितने भी लोग हैं ये इनकी टीम में आते हैं। क्या गजब काम करते हैं यार। और पहले ही एडवांस में बहुत बहुत बधाई आप दोनों को मर्सिडीज के लिए यार। ये मैं अपने आप से मिलवा देता हूं। मेरा नाम संदीप नरवाल है और अप्रैल मंथ का जो मेरा पे आउट है वो है 8,33,924 रुपए। ये मेरे पिछले महीने का पे आउट है दोस्त। और अब यार एक नॉर्मल सी 35,000 रुपए की नौकरी आज 8,33,000 रुपए महीने पे जा चुकी है। तो हिसाब किताब लगाइएगा दोस्त कि कितना पोटेंशियल इस बिजनेस में। अब मिलवाता हूं कि मेरे भी कोई गुरु होंगे इस बिजनेस में। तो इनका नाम है मिस्टर गौरव भाटिया। तो गौरव भाटिया जी कौन है? गौरव भाटिया सर यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और कभी 15,00,000 के पैकेज पे थे नौकरी में, और आज सर महीने का 13,38,355 रुपए का इनका पिछले मंथ का पे आउट है। क्या गजब यार, मतलब सैल्यूट है सर। और हम रियली ब्लेस्ड हैं कि हम आपकी टीम में हैं। अब देखो इनसे मिलो, अभी तक तो जितने भी लोग देखे आपने नॉर्मल थे, ये स्पेशली एबल्ड लोग हैं सर। ये अंधा आदमी है, ब्लाइंड मैन है। एक अंधा आदमी 2,50,000 रुपए कमा रहा है सर आज वेस्टी में। मिलिए डेफेंडम से गूंगे और बहरे लोग सर 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं लोग, राइट। इनसे मिलिए, व्हील चेयर पे हैं, इनका नाम मिस्टर बाबा करी मांझी और इनका पे आउट है 15,00,000 रुपए। अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, लेकिन पैरों वाले इंसान इनके सामने खड़े नहीं हो सकते जब इनकम की बात आती है। 15,09,495 रुपए का पे आउट सर। इनसे मिलिए मिस्टर मोहम्मद मोइन खान, टेलर थे सर ये कभी, अपनी शर्ट सील के लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे और अनपढ़ आदमी, अंगूठा टेक आदमी, आज महीने का 5,00,000 रुपया कमाते हैं सर। BMW X1 गाड़ी चलाते हैं और इनका जो ड्राइवर है वो ग्रेजुएट है, वो इनका मोबाइल चलाता है, इनको ऐप चलानी नहीं आती है और आज 5,00,000 रुपये महीने कमा रहे हैं सर। ये सारे लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? अरे अगला पे आउट आपका हो सकता है सर, नेक्स्ट पे आउट कैन बी योर्स। करना क्या है, सिर्फ सोच बदलनी है। अरे सोच ही तो बदले, क्योंकि अमीर आदमी फिजिकली दुनिया में बाद में बनता है, पहले वो अमीर, और गरीब अपने दिमाग में बनता है। जिसने अपने दिमाग में ठान लिया कि मैं तो जिंदगी भर गरीब ही रहूंगा, किसी का बाप उसको अमीर नहीं बना सकता, और जिसने अपने मन में ठान लिया कि मैं तो अमीर बन के रहूंगा, जिसने मन में सोच लिया वो बन जाता है। अगला पे आउट आपका हो सकता है दोस्त। करना क्या, सोच बदलनी है। और सोच बदलने का नतीजा दिखाता हूं, ये 2015 में भी मैं था और ये 2020 में भी मैं ही हूं। 2015 में भी मैं ही था और 2020 में भी मैं ही हूं। बदला क्या, सोच बदली। और जब 2015 में
ये जो शख्स दिख रहा है आपको, अगर इसने सोच लिया, ये सोच सकता है, दोस्त आप तो फिर भी इससे लाख गुना अच्छे हो, आप तो इजीली कर सकते हो। 2014 में बाइक होती थी मेरे पास कभी, 2016 में मैंने स्कॉर्पियो ली इसी बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग से, 2017 में 27 साल की उम्र में मैंने ऑडी Q5 ली, 2019 में मैंने मेरी वाइफ को i20 गाड़ी गिफ्ट करी, और अभी 17 नवंबर 2020 को मैंने मर्सिडीज GLC गाड़ी निकलवाई। ये मेरा गांव का घर होता था सर, ये टूटा फूटा अगर आप देख रहे हैं तो, ये मैंने विला लिया सर नवंबर 2020 में, और अभी फरवरी का जो फ्लैट लिया है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी रुक गया क्योंकि अभी जो लेबर है वो चली गई, तो ऑब्वियसली फिनिशिंग पे था, उसकी फोटो मैं जल्दी लगाने वाला हूँ, तो वो भी फ्लैट ले लिया दोस्त मैंने। और इस कंपनी में मैं आज यूथ आइकन हूँ, टॉप 34 लोगों में हूँ, टॉप 34 यूथ में आता हूँ, 2,68,00,000 लोगों में। और नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे क्या दिया, नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे सब कुछ दिया जो आपको दिख रहा है। अच्छा, मैंने जो लिया वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरी टीम में भूपेशन मेगा ने मर्सिडीज सी क्लास ली, मैं सफल हूं, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी वजह से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है, राइट? तो एक अगर ले सकता है तो आप भी ले सकते हैं मर्सिडीज यार, उसमें क्या बड़ी बात है। भूल जाओ सारे बहाने और सिर्फ एक बात याद रखो कि आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो। पता है दोस्त क्यों कर सकते हो, मुझे क्यों लगता है, क्योंकि भगवान को ऊपर वाले ने पता क्या करा, मछली को पानी में पता क्यों छोड़ा, क्योंकि वो पानी में तैर सकती है, और पंछी को आसमान में क्यों छोड़ा, क्योंकि वो आसमान में उड़ सकता है, और आपको इस जूम मीटिंग में क्यों छोड़ा अभी तक, क्योंकि आप ये बिजनेस कर सकते हो। तो अपना दिमाग लगाना बंद करो, आप ये बिजनेस कर सकते हो दोस्त। और कोई तो मैजिशियन होगा ना यार, कोई तो जादूगर होगा जो इस सारे मैजिक को कर रहा है, जो जादू कर रहा है, उनसे मिलवाते हैं, और उनका नाम है सर सोनू शर्मा। सर सोनू शर्मा सर लगभग आज 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 70 लाख लोगों ने इनको यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है सर, और नाम सुना ही होगा आपने सोनू शर्मा सर कौन है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, आज लगभग 100 कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं, हर 100 कॉर्पोरेट्स के लिए, जिसमें ICICI, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, JGS, टाइम्स ऑफ इंडिया, यू नो, वेगा, BNI, HP, SBI, Zodiac, लुई फिलिप, कोई भी बड़ी बड़ी ब्रांड जो है उसके जो टॉप के जो यू नो बॉसेस हैं, जो ऊपर का नेटवर्क है, उनसे भैया आज उनको ये ट्रेनिंग देते हैं। आज के समय पे देखो आप, आज लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, IAS ऑफिसर, CM इनको ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनकी इतने बड़े बड़े हुजूम में, तो ये कितना कमाते हैं वेस्टीज से सर। इनका 16वें महीने का पे आउट है मात्र 32,79,912 रुपए। जब ये कर सकते हैं तो मैं और आप भी कर सकते हैं। गाड़ी कौन सी चलाते हैं, कॉस्टलीस्ट कार इन नेटवर्क मार्केटिंग, वही गाड़ी जो अमिताभ बच्चन के पास में है, कौन सी, मर्सिडीज एस क्लास, 2,02,00,000 रुपए की गाड़ी आती है दोस्त। अभी इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे ही एस क्लास गाड़ी लिया, तो बॉलीवुड के जो महानायक गाड़ी चलाते हैं वही हमारे डायरेक्ट सेलिंग के महानायक गाड़ी चलाते हैं। ये कर सकते हैं तो सर मैं और आप भी कर सकते हैं। बस जाने से पहले कुछ चीजें अपने दिमाग में जरूर लेके जाइएगा यहां से, है ना। मैं आपसे बस 2-3 चीज कहना चाहूंगा लास्ट में आपको, वो ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब दो ही चीजें होंगी, पूरा वेबिनार देख लिया आपने, दो ही चीजें होंगी। क्या दो चीजें होंगी भाई, या तो आप ये काम करोगे या ये काम नहीं करोगे, या तो आप चालू करोगे आप नहीं चालू करोगे। मान लेते हैं कि आप चालू नहीं करते तो कितना रुपया बचा लेंगे आप भाई, आपका बच जाएगा 3,000 रुपया भाई। इतना तो करें, कोई बहाना मार देना कि यार पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, सोच के बताऊंगा, बेकार काम है, प्रोडक्ट महंगे हैं, कंपनी भाग गई, तो कोई भी इनमें से बहाना आपके दिमाग में चल रहा होगा, वो मैंने बोल दिया, क्योंकि पिछले 7 साल से यही बात बोल के लोग गोली हो रहे हैं, और गोली होके 2 साल बाद आते हैं, कह रहे भाई वो उस टाइम ना वो थोड़ा गलती होगी भाई, अब जोड़ ले मेरे को। फिर 2 साल बाद आते हैं ज्वाइन होने, क्योंकि 2 साल में ऐसा तो कुछ होता नहीं कि एकदम से आएगा ऋतिक रोशन का पापा और बोलेगा वाह अगली फिल्म में हीरो तू है, ऐसा तो होता नहीं 2 साल में, तो आदमी तो वही नौकरी करता है 2 साल बाद फिर आता है। तो मान लेते हैं आज अपना कोई बहाना मार दिया आपने और बोले कि भैया हम नहीं करेंगे, तो मेरा सवाल आपसे ये है, मान लेते हैं आज ये काम आप चालू नहीं करेंगे तो कल क्या करेंगे आप, आपके पास क्या है करने को जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं। आज सोचो, आज पूरे दिन 24 घंटे आपने क्या किया जिस जो करोड़पति की तरफ लेके जा रहा है आपको, पूछो अपने आपसे सवाल, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग आपको पता क्या कह रहा होगा, यार ये छोड़ वो कर लेंगे, मां कसम आपका दिमाग कह रहा होगा, और वो क्या कर लेंगे वो नहीं पता और इतने लंबे समय से आपका बेवकूफ बना रहे दिमाग कि ये मत कर, जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है आपका दिमाग तुरंत बोलता है ये छोड़ वो कर लेंगे, और वो ना करने देता है
और ना ये करने देता है, और ऐसे ही रखता है, और पूरी जिंदगी यूं निकल जाएगी, एक सेकंड गया अगला सेकंड गया, ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। मई आ गया 2021 का पता लगा, ऐसी पूरी जिंदगी निकल जाएगी आपकी, पता भी नहीं लगेगा। तो आपका ये दिमाग शायद मना कर रहा होगा आपको, लेकिन मेरा सवाल है कि आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मान लिया 3,000 रुपये बचा लिया आपने, तो क्या करेंगे 3,000 रुपये का बचा के? उसके FD कराएंगे, 7 साल बाद 6,000 हो जाएंगे, 6,000 रुपये के साथ में ले लेना घर गाड़ी बंदूक अपना, बच्चों की शादी कर लेना 6,000 रुपये में, 6,000 में क्या होगा? कुछ भी नहीं। और 3,000 रुपये कौन FD कराता है? और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, ये 3,000 रुपये बचेंगे भी नहीं, ये इसी महीने राशन पानी में खर्च हो जाएंगे आपके। तो वहां तो खर्च होने हैं, वहां पे बिजनेस थोड़ी मिलेगा, यहाँ पे बिजनेस तो मिल रहा है। अब ये तो हुआ, चलो भाई हमने सोच लिया कि आप बिजनेस नहीं करते, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपने बिजनेस चालू कर दिया, तो दो चीज होंगी, या तो आप सफल होंगे या असफल होंगे भाई, या तो आप फेल होंगे या सक्सेस होंगे, दो ही चीज तो होंगी अगर आप चालू करोगे तो, इसके अलावा तीसरी चीज थोड़ी होगी यार। मान लिया आपने 3,000 रुपये से चालू कर लिया, या एयर प्योरीफायर लेके चालू कर लिया, तो मान लेते हैं नेगेटिव से नेगेटिव क्या होगा, बुरे से बुरा क्या हो सकता है आपके साथ कि एक भी आदमी आपके नीचे नहीं जुड़ा? इससे बुरा हो सकता है क्या कुछ? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। आपके घर में पेटी आई सामान की और चोरी हो गई ना तो आदमी जुड़ रहा है, सामान भी चोरी और जैसे आपने देखा आईला सामान भी चोरी। किधर है जहर? अपन जहर खाते हैं, क्योंकि आपने तो अपना सारा घर बार बेच के बिजनेस चालू किया था भाई, सारी जितनी भी जमीन थी गिरवी रख के आपने 3,000 रुपये का बिजनेस चालू किया था कितना बर्बाद हो गए सोचो। अरे भाई आपको पता है ना, तो आपका सामान चोरी होगा, और दूसरी बात आपको जो लगता है ना कि यार मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे, आपके दिमाग में बस एक ये कमी खल रही है अभी, जो मेन कुंडी अटकी है ना अभी, वो ये अटकी है यार मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे। अच्छा ये मुझे कैसे पता आप ये सोच रहे हो? क्योंकि जब मैं जुड़ने आया था तो मेरे दिमाग में ये था कि संदीप तू तो जुड़ जाएगा, तेरे को तो ठीक लगा, लेकिन तेरे दोस्त नहीं जुड़ेंगे। और फिर जब मैंने दोस्तों को बोला ना, मैं कहा ओए ये काम है ऐसे ऐसे, मैंने जब उनको दिखाया तो मेरे दोस्त पता क्या बोलते, यार संदीप मैं तो जुड़ जाऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं किसी को जोड़ पाऊंगा। मैं कहा साले यही बात मैंने बोली, तू भी जुड़। और फिर उसको बोला, मैं कहा तू अपने दोस्त बोला, जब उनके दोस्त है उनके दोस्त पता क्या बोल रहे मेरे दोस्त के दोस्त, भाई हम तो जुड़ जाएंगे, हमसे लग रहा है लोग नहीं जुड़ेंगे। मैं कहा सब यही बोल रहे हैं, हम सब एक जैसा सोचते हैं दोस्त। अगर मैं आपको कोई एक फूल सोचने को बोलूं ना, थिंक अबाउट अ फ्लावर, तो 100% आप इस टाइम पे गुलाब के फूल के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि हम सब लोग एक जैसा सोचते हैं, हम सब एक जैसा सोचते हैं। जैसे आप सोच रहे हो ना कि मैं जुड़ जाऊंगा, मेरे से कोई नहीं जुड़ेगा, कल अपने दोस्तों को ले आना, वो भी यही सोचेंगे, परसों उनके दोस्त आएंगे वो भी यही सोचेंगे, ऐसे करके नेटवर्क बनता रहेगा। अब ये तो हुई नेगेटिव से नेगेटिव के जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, तो बंदे भाई बंदे भी जुड़ेंगे और सामान भी चोरी नहीं होगा, तो मिनिमम मैक्सिमम लॉस देख लिया क्या हो सकता है। अब लास्ट एक चीज बची कि मान लेते हैं आप बिजनेस चालू करते हो और अगर इसमें सफल हो गए तो 10,000 रुपये महीने के आने लग गए, तो 15,000 आने लग गए, तो 20,000 आने लग गए, तो सोचो क्या हो सकता है। एक बार सोचो कि आपको महीने के 25,000 रुपये आने लग गए, आप क्या कर सकते हो 25,000 रुपये के साथ? भाई आपका गाड़ी की किस्त जा सकती है, बच्चों की स्कूल की फीस जा सकती है, शायद आप एक नई गाड़ी ले सकते हो 25,000 रुपये में, सोचो क्या क्या हो सकता है। एक नया मोबाइल ले सकते हो, मम्मी पापा को गिफ्ट कर सकते हो, क्या पता नहीं इतने दिनों से मम्मी साड़ी के लिए लड़ रही थी, वो गिफ्ट दे सकते हो मम्मी को, कुछ भी कर सकते हो। क्या पता 30,000 रुपये आने लग गए तो, 50,000 आने लग गए तो, क्योंकि दोस्त हम आपको जोड़ने के लिए नहीं कर रहे सब कुछ, आपको जोड़ के बढ़ाना ही हमारा मेन पर्पस है, आपको जोड़ने थोड़ी पैसा है। 3,000 रुपये से क्या पैसा आएगा, 50 रुपये 20 रुपये नहीं आएंगे, आपको 1,00,000 रुपये कमवाने का टारगेट है हमारा, तो क्या आपको 3 महीने में 1,00,000 पे लेके जाएंगे? तो दोस्त आप स्टार्ट करो हमारे साथ, क्योंकि जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया है वो सबसे बड़ा शुभचिंतक है आपका, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोग पैसा मांगने के लिए तो फोन कर रहे हैं, एक अकेला ऐसा आदमी है जिसने आपको बोला भाई पैसा मांग नहीं रहा हूं, पैसा कमाने के लिए कमवाने के लिए तुझे आज एक लिंक दे रहा हूं, उस पे आ। सबसे बड़ा आज थैंक यू अगर किसी को बोलना तो उसको बोलना जिसने आपको आज जूम मीटिंग में बुलाया, और उसका फोन उठाओ या उसको फोन करो और बोलो मुझे स्टार्ट करना है, कुछ मत करो सर, एक ऐप डाउनलोड करनी है, अपना एड टू कार्ट करना सामान, एयर प्योरीफायर लेना चाहो तो एयर प्योरीफायर लो, आज के समय की जरूरत है अपने हर एक घर की, और चालू करो सर, मैं आपको ट्रेन करूंगा, सोनू सर आपको कोच करेंगे और हम मिलके इस बिजनेस को बड़ा करेंगे, तो आपका स्वागत है। हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें हम पूरा पूरा बिजनेस सिखाते हैं आपको,
आपका स्वागत है मेरी पूरी टीम में, मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए रेडी है. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम एंड ऑल द वेरी बेस्ट.